नमस्कार दोस्तों, आज है 8 सितंबर, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। 1965 में यूनेस्को ने अपने 14th सेशन में 26 अक्टूबर को ये डिक्लेयर किया कि 8 सितंबर को पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग मनाएंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अब ये सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी था करंट इश्यूज को समझने के लिए, जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में हो रहा है, अवेयरनेस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, सभी कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन क्वालिटी लाइफ अच्छी हो, इसलिए लिटरेट होना बहुत जरूरी था। इसकी नेसेसिटी को समझते हुए ये डिक्लेयर किया गया कि अगर हम इस तरह का कोई इंटरनेशनल डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका हमें बेनिफिट होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में। इसीलिए यूनेस्को ने अपने 14th सेशन में ये डिसीजन लिया 1965 में, और जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल लिटरेसी डे था वो मनाया गया 1966 में। सिंस 1966 वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल लिटरेसी डे एवरी ईयर। हर साल इसकी नई थीम होती है, इस साल भी है नैरोइंग डिजिटल डिवाइड और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। ये है 2021 की थीम। आजकल डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन ने जो जोर पकड़ा COVID-19 के दौरान, उसमें ये साफ हो गया कि जो जानता है वो कर सकता है, जो नहीं जान सकता उसे सीखना पड़ेगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का भी यही एम है कि हर ह्यूमन बीइंग लिटरेट हो, लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो। क्योंकि अगर हमने ये जानना है कि करंट इश्यूज क्या हैं, हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, अपने बारे में जानना है, अपनी सोशल लाइफ के बारे में जानना है, ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में जानना है, तो लिटरेट होना बहुत जरूरी है। पूरे वर्ल्ड में आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो चलाए भी गए, जैसे साक्षरता अभियान इंडिया में, ईच वन टीच वन, ये जो स्लोगन है ये बहुत फेमस हुआ था, अब भी चल रहा है। हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी लाइफ में जितने भी उसको लगता है इलिटरेट पीपल आते हैं उन्हें पढ़ाए, एक गुड ह्यूमन क्वालिटी लाइफ दे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ड्यू टू इलिटरेसी, उन्हें पता ही नहीं है, और इस अनअवेयरनेस के कारण वो अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बीइंग अ एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, आप इस बात को समझ सकते हो कि लिटरेट होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आज के युग में अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका जीवन एक ब्लाइंड मैन की तरह है, आंखें होते हुए भी वो इस दुनिया में अंधा है। अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने आप को ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए, सोशल लाइफ में एक अच्छा स्टेटस पाने के लिए, ओवरऑल एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लिटरेट होना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को हम सभी समझेंगे। इस वीडियो को देखने वाले पढ़े लिखे लोगों से मेरी फिर से प्रार्थना है कि वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी को जरूर पढ़ाएं। अगर वो टीचर नहीं भी हैं फिर भी। इसीलिए ये स्लोगन जो ईच वन टीच वन दिया गया था,
कि हर एक इंसान जो पढ़ा लिखा है वो एक ऐसे इंसान को साक्षर कर सकता है, पढ़ा सकता है जिसे पढ़ाई नहीं आती। तो ये अक्षर ज्ञान जो हम लिखते हैं ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, अगर इसे जानना है ना तो ऐसे इंसान से पूछिए जो लिखना नहीं जानता। अभी भी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कई लोग हैं फोर्थ क्लास में जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अगर उन्हें सिग्नेचर भी करने होते हैं ना तो वो दूसरों को कहते हैं कि भाई हमारी अटेंडेंस लगा दो। तो अटेंडेंस लगाने से बेटर है कि आप कुछ टाइम उनको दें और उनको सिखाएं, एटलीस्ट वो अपना नाम लिखना सीखें। तो इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी पॉपुलेटेड है, यहां पर अगर लोगों को अपनी बेटर क्वालिटी लाइफ चाहिए तो उसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट नीड है वो है लिटरेट होना। ये बहुत अच्छी बात है कि केरला जैसी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में जो 100% लिटरेट हैं। मैं चाहूंगी कि हर एक स्टेट, हर एक विलेज, हर एक टाउन 100% लिटरेट बने। हम भी ग्लोबल कम्युनिटी में जो कंट्रीज नंबर 1 पे आते हैं जैसे फिनलैंड, यूके, यूएसए, उनकी तरह बने, क्यों नहीं बन सकते। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है एजुकेटेड लोगों की, क्या हम पढ़ा नहीं सकते दूसरों को। तो आइए ये प्लेज लेते हैं कि अपनी लाइफ में अगर ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हम उन्हें जरूर पढ़ाएं। यही मैसेज है मेरा आप सभी के लिए। तभी हमारा सार्थक होगा ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाना। अदरवाइज अगर इसको मनाकर ऐसे छोड़ दिया और नेक्स्ट ईयर 8 सितंबर का वेट किया तो कोई फायदा नहीं ऐसे इंटरनेशनल डेज को मनाने का। तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे को कामयाब बनाएं, खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ाएं। धन्यवाद।